वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र, आपका स्वागत करता हूं सैन फोटो क्लब में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आधार कार्ड संबंधित एक नया अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि उस नया एक नया अपडेट क्या है कि यदि आप कोई सिम कार्ड खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट आपका जरूरी नहीं है, बल्कि आपका चेहरा का मैचिंग करना भी जरूरी है। यानी आप सिम कार्ड खरीदने जाइएगा तो उसके लिए आपका चेहरा को भी डिटेक्ट किया जाएगा, फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, कहीं स्किप मत करिए। वीडियो यदि आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आधार कार्ड का ये जो नया अपडेट है इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए, लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का घंटा बटन भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हमारे चैनल के और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों यह बिल्कुल फ्री है। आधार कार्ड संबंधित लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि अब यदि आप सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो सिर्फ फिंगरप्रिंट का सत्यापन नहीं होगा, बल्कि उस इंसान का चेहरे का भी सत्यापन किया जाएगा। पहले सिम कार्ड लिया जाता था तो क्या था कि किसी के भी आधार कार्ड पर लोग ले लेते थे, जिसके खातिर फ्रॉड ज्यादा हो रहा था, धोखाधड़ी ज्यादा हो रहा था, दूसरे के नाम पर लोग सिम लेकर एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे थे, कुछ भी गलत धंधा हो रहा था। फिर कर दिया कि फिंगरप्रिंट जरूरी है, लेकिन इससे भी काम नहीं चल रहा है। तो अब चेहरे का रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा कि जिस बंदा का फिंगरप्रिंट है उसी का चेहरा है या नहीं। ये कभी कभार ये होता है कि फिंगरप्रिंट में गड़बड़ी हो जाता है, जिसके चलते सही बंदों को नहीं तलाश किया जाता है। ऐसा हुआ था जून महीना में, हैदराबाद में एक सिम वितरक ने किया था, हजारों सिम कार्ड इस तरह फर्जी जारी कर दिया था, जिसके चलते यूआईडीएआई को भारी मुसीबत झेलना पड़ा। तो उसके सीईओ जो हैं अजय भूषण पांडे, उन्होंने कहा है कि अब ये जो है चेहरा का भी सत्यापन किया जाएगा, और यह जो है पहले आपको जुलाई महीना से होने वाला था, फिर उसे बढ़ाकर अगस्त कर दिया गया, लेकिन अब उसे 15 सितंबर किया गया है। हालांकि चेहरे का जो रिकॉग्निशन है वह भी सिर्फ सिम कार्ड के लिए किया गया है, और भी चीज़ में ये जारी होने वाला है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा। जो भी जिसमें भी आधार कार्ड जोड़ा जाता है उसमें भी ये सब चीज़ जारी किया जाएगा, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, उसमें अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो उसके बारे में कब क्या आता है नोटिस ये हमें देखना होगा, लेकिन आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आप जो सिम ले रहे हैं उन्हें अपने चेहरे का सत्यापन करना जरूरी हो गया है। हालांकि ये नहीं कहा गया है जो पहले से सिम लिए हुए उन्हें भी अपने चेहरे का सत्यापन किया जाएगा नहीं, लेकिन जैसे ही इस तरह का कोई अपडेट आता है फिर मैं आपको इसके लिए जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और ये वीडियो आपको अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का घंटा बटन भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।